आगामी 5 जून को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के कार्यकाल का भी रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। बिहार में आज हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है, सड़कों का निर्माण होने के साथ उद्योग लग रहे हैं। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। लालू राबड़ी के शासनकाल में 24 मिनट बिजली मिलती थी, लेकिन तेजस्वी यादव के माता पिता के कार्यकाल में न सड़कें थी न उद्योग। उस वक्त सिर्फ एक उद्योग था, अपहरण उद्योग। लोग डर से बिहार में पैसे निवेश नहीं करते थे, हर तरफ भय का माहौल था। आज बिहार तरक्की कर रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव जी को रिपोर्ट का, हमारे विपक्ष के नेता है भाई तेजस्वी यादव जी, विपक्ष के नेता है, वो अपना विपक्ष का काम कर ही रहे हैं। विपक्ष का काम कर रहा है तो वो सरकार के ऊपर तरह तरह की बात को उठाते रहते हैं, लेकिन जो है जो रिपोर्ट कार्ड वो जारी करना चाह रहे हैं तो उनको अपने कार्यकाल, उनके माता पिता का जो कार्यकाल है 15 वर्षों का, उस कार्यकाल का भी जो है रिपोर्ट कार्ड उन्हें जारी करना चाहिए कि उस समय क्या उद्योग था बिहार में। एक केवल अपहरण का ही उद्योग बिहार में हुआ करता था, ना कहीं सड़कें थी ना बिजली था। आज के समय में बिहार में 113,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। जितने भी टोला छुटे हुए हैं उसमें हम लोग सड़कों के निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं और बनाएंगे, हम लोग सड़कों का निर्माण करेंगे जो भी टोले छुटे हुए हैं। बिजली आज के डेट में 24 घंटा मिलता था, उसमें 24 मिनट मिलता था बिजली, और उद्योग का क्या स्थिति था बिहार में, कौन सा उद्योग था उसमें? कोई उद्योग तो बिहार में नहीं था, एक अपहरण का उद्योग था और तो कोई उद्योग था नहीं बिहार में। और आज के समय में बिहार में पेप्सी की फैक्ट्री खुल रही है, इथेनॉल की फैक्ट्री खुल रही है, अन्य अन्य तरह की फैक्ट्रियां बिहार में, कई लोग जो है बाहर से भी लोग आकर जो अन्य राज्यों में रहा करते थे, जो अपना इन्वेस्टमेंट बिहार में सिर्फ अपहरण और क्राइम के कारण नहीं लगाना चाहते थे, बिहार के ही लोग अन्य जगह पर जाके जो है अपहरण किया कर उद्योग जो है वो लगाते थे और यहाँ पर नहीं लगाते थे, और आज वो सारे लोग यहाँ पर उद्योग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार उनका मदद कर रहा है और जो है ये हो। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।